कशिश, ऋषि। हाय बिग्बी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बिग्बी, मैं भाभी जी से ये पूछ रहा था कि रिश्ता लेकर इनके घर कब पहुंचूं, है ना? ये ऑफिस है ऋषि, तुम्हारा घर नहीं, इसलिए यहाँ ऑफिशियल बात करोगे तो बेहतर होगा। तुम्हें मुझसे काम है तो मेरे कैबिन में चलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ कशिश। चलो। ओके बिग्बी, ऑफिस है घर नहीं, ठीक है, तो बाकी की घर की बातें घर पर करेंगे भाभी जी। चलता हूँ। मौली तो ना समझ जो तुम पर एतबार कर बैठी, लेकिन मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब उसका एतबार टूटेगा, और उस दिन मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगी ऋषि। क्या बात है, आज हमारी बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मुझे मेरी जिंदगी में फिर से उम्मीद की किरण नजर आ रही है। क्या मतलब, ऐसा क्या हुआ भाई, कुछ हमें भी तो बताओ। आप जानते हैं पापा, मुझसे कौन मिलने आया था? कौन? वसु आंटी। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी मदद करेंगी सुजल को पाने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सुजल की जिंदगी में और कोई आए। पापा, वो जानती है कि मैं सुजल से बचपन से प्यार करती हूँ, वो चाहती है कि मैं ही सुजल से शादी करूं। मैं सुजल को पा सकती हूँ पापा। वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आप किसी को प्यार करने पे मजबूर नहीं कर सकते, प्यार तो दिल से होता है। जानती हूँ पापा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं चाहकर भी अपने आप को मजबूर नहीं कर सकती कि मैं सुजल से प्यार ना करूं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे लिए सुजल को भुलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है पापा, नामुमकिन। हेलो मौली। ऋषि तुम कहाँ हो? मौली इस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हुआ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? रिलैक्स मौली, वो एक्चुअली मेरे दोस्त के अंकल को हार्ट अटैक हो गया है, बस मैं उसी के साथ हूँ। बेचारा इस शहर में नया है, किसी को जानता नहीं, ऐसी हालत में तो मैं उसे अकेले भी नहीं छोड़ सकता ना। उनकी तबीयत संभलते ही मैं वापस आ जाऊँगा मौली। ओके ऋषि, क्या अमन तुम्हारे साथ है? अमन? अमन, हाँ अमन, अमन है ना मेरे साथ ही है, मेरे बाजू में बैठा है अमन। ठीक है ऋषि, तुम अपने अंकल के दोस्त का ख्याल रखो, ठीक है, बाय। Alright, sweetie, then I'll see you. So where were we? Spending the night. Oh, lovely. अक्षत। आ गई? फुर्सत मिल गई तुम्हें? हाँ मिल गई। और सुनो, मैं यहाँ तुम्हारी बकबक सुनने नहीं आई हूँ, काम की बात करने आई हूँ। ठीक है, मेरे पास भी तुम्हारे टाइम नहीं है, बोलो। केटर को फोन किया, और हाँ पापा की पार्टी की बाकी अरेंजमेंट्स मुझे याद है, मैंने सबको फोन कर दिया। आफ्टर ऑल आई एम अक्षत द ग्रेट। वैसे इस खुशी में कॉफी हो जाए? ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हारे हाथ की नहीं, कहीं बाहर चलें। क्यों, मैं इतनी बुरी कॉफी बनाता क्या?
एनीवेज चलो। अरे लेकिन ऐसे चलोगे क्यों? इसमें क्या खराबी है? प्लीज। ठीक है। मासी के साथ ही ठीक है ना? है ना? जाएगा मासी के पास? हाँ? ओ एक मिनट, ठीक है फिर बाद में। हेलो। हाय महक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? पता है डैड का 60th बर्थडे है और हम उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी थ्रो कर रहे हैं। ओह ग्रेट, मेरी तरफ से उन्हें विश कर देना प्लीज। व्हाट डू यू मीन? तुम आओगे नहीं वरुण? बहुत काम पेंडिंग है, अभी टाइम लगेगा। दिस इज नॉट फेयर वरुण, तुम कुछ दिनों का बताकर गए थे और अब कह रहे हो कि और टाइम लगेगा। डैड के बर्थडे पर तो तुम्हें रहना चाहिए ना। आई एम रियली सॉरी बाबा। अच्छा मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा पक्का। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। देखो प्रॉमिस मत तोड़ना। ओके। अच्छा ये बताओ रोशन कैसा है और बाकी सब लोग कैसे हैं? रोशन खेल रहा है और सब ठीक है। अरे हाँ महक, मॉम का फोन आया था, क्या तुम उनसे मिलने नहीं गई? वो मैं समझ गया, तुम अकेले नहीं जाना चाहती लेकिन उनसे मिलने तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम किसी को साथ ले जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। लेकिन मैंने सुना है कि तुम सुजल की शादी के बारे में सोच रही हो। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी, घर में बहू आएगी। मैं तो सोच रही हूँ कि अगर हम सुजल और ऋषि दोनों की शादियां एक साथ कर लें तो बड़ा मजा आएगा ना। वसु, जो तुम कह रही हो वो हो सकता है? ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम वीना। तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। और वैसे भी मुझे सुजल की पसंद अच्छी तरह मालूम है, मैंने उसे आज घर बुला लिया है, आती ही होगी। There she comes now. Kashish. कैसे हो? अचानक कैसे आना हुआ? मामा, वरुण का फोन आया था, वो कह रहा था कि आप अपने बहू और पोते को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं इन दोनों को यहाँ ले आई। हाउ स्वीट ऑफ यू टू कम, बहुत अच्छा किया तुमने। आओ आओ अंदर आओ बैठो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ और तुम लोगों के आने से और अच्छी हो गई हूँ। मामा मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। महक तुम रुको, मैं तुम्हें शाम में पिक कर लूँगी। नो 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 वरी काशिश, मैं महक को घर पहुँचा दूँगी। ओके बाय आंटी। बाय।
ठीक है सूजल, मैं चलती हूँ। ये फाइल्स चेक करके तुम्हें फोन कर दूंगी। सूजल, एक बात कहूँ, मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है। क्या हम अपने ऑफिस में नहीं मिल सकते? एक्चुअली ये काम अर्जेंट था, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। आइंदा से हम वहीं मिलेंगे। ओके, बाय बाय अक्षत। बाय अर्ची। हाय कशिश। हाय अर्ची, हाउ आर यू? वेरी गुड। ओ हाँ, सुना कि तुम्हारा पालमपुर का ट्रिप सक्सेसफुल रहा। दैट्स नाइस। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। बाय। हाउ कशिश। सूजल, कल पापा का बर्थडे है और मैंने उनके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है जिसमें तुम दोनों का आना है। तुम मुझे क्यों इनवाइट कर रही हो? पार्टी तो मैंने ही ऑर्गेनाइज की है ना। हाँ सुजल, तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। ओके, मैं चलती हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। चल, सी यू। चलेगा? मम्मी जी, काफी देर हो चुकी है, मैं चलूं? ऑलराइट महक, लेकिन तुम अकेली कैसे जा सकती हो? डोंट वरी, मैं चली जाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, कम ऑन। ओह, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ। ओके, बाय। ओह, आई एम सो सॉरी महक, लेकिन मुझे किसी जरूरी काम से अभी जाना है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी जी, आंटी कैसी है? पावी जी, पावी जी नमस्ते, कैसी आप? अरे, साथ में मेरा बेटा रोशन। क्या हुआ पावी जी? भाई का बेटा भी तो अपने बेटे जैसा होता है। वो क्या कहते उसे, भतीजा? वैसे अच्छा हुआ आप यही आ गए, अब आप यही रहेंगी भाभी जी। मम्मी जी, मैं चलूं? नहीं महक, तुम अकेली नहीं जा सकती हो, मैंने कशिश से प्रॉमिस किया है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे अभी इसी समय किसी जरूरी काम से जाना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आंटी, आप भी कमाल कर रही है, मैं हूं ना, मैं भाभी जी को छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ जिस तरफ ये जा रही है, और वो जो भी तरफ हो। ऋषि, थैंक यू सो मच। चले पावी जी। नो थैंक्स ऋषि, मैं अपने आप चली जाऊंगी। महक, जिद मत करो, इतनी रात में अकेली, वो भी एक छोटे से बच्चे के साथ, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, ऋषि तुम्हें पहुंचा देगा। कम ऑन पावी जी। हाँ, जाओ उसे ले जाओ जल्दी। दो पावी जी, मैं लेता हूँ। पावी जी भी ना। पावी जी बैठिए ना। थैंक्स ऋषि, लेकिन मैं अकेली चली जाऊंगी। नहीं पावी जी, इतनी रात को मैं आपको अकेले जाने नहीं दे सकता। कम ऑन महक, मैं आंटी की बात टाल नहीं सकता, सो प्लीज जस्ट सिट इनसाइड द कार। अरे यार ऋषि। जी आंटी। कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज? आप बोलिए ना आंटी। आप ये सुजाता खूब जानदानी के लिए है, तो लौटते समय उसे देते आना। जी आंटी। थैंक यू सो मच। महक, तुम खड़े खड़े क्या देख रही हो? गाड़ी में बैठो ना, कम ऑन जल्दी। आइए मैं ले लेता हूं। पावी जी बदल गई है। See you later, आंटी। See you. Bye, महक। अरे आप लोग, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए।
प्लीज बैठिए। कैसे हैं आप? जी मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम तो बिल्कुल ठीक है, कोई नजर नहीं आ रहा। Where are the girls? वो महक और चारू रोशन को लेकर शॉपिंग करने गई हैं। प्रोफेसर साहब, महक से कहिए कि रोशन को घर लेके आए, काफी दिनों से वो नाना के पास रह रहा है, अब दादा की बारी है। जी मैं जरूर कहूँगा। वैसे हम लोग कुछ खास काम से आए थे, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी प्रोफेसर साहब, एक्चुअली कशिश के बारे में बात करना चाह रहे थे। क्या है कि उसने अपनी जिंदगी को संभाल तो लिया है, काम भी करना शुरू कर दिया है, मगर उसकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है। हम चाहते हैं उसकी जिंदगी में एक बार फिर रंग भर जाए, उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। प्रोफेसर साहब, आप समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आप तो उसके पिता हैं। जी मैं सब समझता हूँ, लेकिन क्या करूं, ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं होती। प्रोफेसर साहब, हिम्मत जुटानी पड़ेगी, कब तक यूं अकेली जिंदगी जिएगी? आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, तब कौन रखेगा उसका ख्याल? अगर आप कहें तो मैं बात करके देखूं। प्रोफेसर साहब प्लीज थिंक इट ओवर। चलें सी जी। हाँ चलो, चलते हैं। नमस्कार। क्या बात है आजी, इतनी रात तक तुम ऑफिस में हो? हाँ जी, कुछ काम था। Anyway, मेरे वादे के मुताबिक मैंने अपना पहला कदम उठा लिया है, अब तुम्हारी बारी है आची, और तुम्हें बहुत सोच समझकर चाल चलनी पड़ेगी। आंटी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरा पासा कभी गलत नहीं पड़ता, मैं ऐसी चाल चलूंगी कि बाजी हमारे हाथ में होगी। Well, that's very good. तो क्या तुम मुझे नहीं बताओगी क्या चाल चलोगी? Of course बताऊंगी आंटी। कशिश बिल्कुल अकेली हो जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।